फिर नहीं, फनी बात ये, जब हमने शूट किया था तो आतिफ और मेरी हमारी फनी नफ सेट पे इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, हमारी इंटरेक्शन सारे तो सिर्फ आपके सीन्स हिलमन के, ऐसा लग रहा है हमें अब के हैं। है, लेकिन वैसे ऑफ सेट इतनी इंटरेक्शन हमारी नहीं थी उस दौरान, और खड़ा तो नहीं क्योंकि हो गया था आपका आतिफ के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत हम्बल इंसान है। तो फिर क्यों आपकी ऑफ स्क्रीन इंटरेक्शन नहीं हो रही थी? आप विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल ऑन दिस क्वेश्चन नाउ, प्लीज प्लीज टेल मी। मतलब इंटरेक्शन उस तरह से हम, मैं मेरे और भी सीन्स थे, बाकी लोगों के साथ भी सीन्स थे, नहीं तो उनकी व्हाई भी वुड यू लाइक चैटिंग विद आतिफ ऑफ? व्हाट वाज गोइंग ऑन? हम काफी दफा ऐसा होता था कि हम डिफरेंट टाइम्स पे आते थे सेट के ऊपर, ओके तो एक ही वजह थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज मेरा सीन है तो आज मोस्ट लाइकली आतिफ वोंट इवन बी देयर, मानसेरा में ही नहीं होंगे वो, हाँ यू ओके नो, तो या फिर मैं भी चली जाती थी। तो हमारे कुछ कुछ दिन ही थे जब हमारा लगातार काम हुआ था, जो सीन्स देख रहे हैं आप, तो उसमें आप कितनी बात कर सकते हो। ठीक है। हाँ तो वो सीन के लिए आप बता रही थी कि क्या प्रोसेस है, क्या हुआ कैसे करेंगे जो आप मुझे बता रही थी हाँ कि वो जो सीन था उसका प्रोसेस क्या था? उसके लिए बस ये था कि गैनला के साथ किरदार को समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए, और उसकी वजह ये थी कि एक तो उसने देखा हिलमंत को, ठीक है, और अचानक से एक धक धक हुआ, और हिलमंत को भी धक और वो धक हुआ। फ्लैशबैक भी आया उसको। हाँ जी एग्जैक्टली, तो जब हिलमंत ने वो चादर मेरे ऊपर डाली है और मुझे फ्लैशबैक आया कि बचपन में मेरे साथ क्या, मेरे मेरे से हमेशा चादर नोची गई है, तो एक इंसान सामने आके कह रहा है कि एक प्रोटेक्टर बन गया ना उसका। प्रोटेक्टर बन गया, और वो कह रहे कि लसपीरान के मजलूम हिलमन की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले, तो यार क्या जब लाइन थी यार वो, है ना, क्या लाइन थी यार वो तो वैसे। कोई भी पिघल जाएगा, आई मीन कोई मर्द ही खड़ा होता सामने तो पिघल जाता, आई मैं थिंक तो पिघल गया था घर पे बैठे देखते देखते यार। एग्जैक्टली, तो आई थिंक यही था, आई थिंक लफ्जों को महसूस करना और उस सिचुएशन को महसूस करना तो निकल आता है खुद ब खुद ही, तो आपकी सेट पे फिर दोस्ती किस किस के साथ थी? सबके साथ सबके साथ ही सबके दोस्त, साथ। आतिफ के साथ भी थी, हाँ हालांकि हाँ आपकी ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं, लेकिन आतिफ नहीं गाने नहीं सुनाते थे सेट के ऊपर किसी नहीं नहीं वो दिन एक्टिंग करने आते यार? तो वैसे वो रात को किसी दिन बैठे हुए ऐसे सारे एक्टर्स बैठे हुए, उन्होंने कोई आलाप शुरू कर दिया। फनी बात ये है कि हम सारे मिलके कभी बैठ नहीं सके, कि कभी भी सब साथ में होते नहीं थे, यू नो व्हाट आई मीन, कि हानि का अपना काम था, जावियार का अपना काम था, हम सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रामे और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो कभी भी पूरा पूरी कास्ट सेट पे मौजूद थी नहीं। अच्छा ये पता है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं ना ड्रामा, तो हमें लग रहा होता है कि ये बड़ी कोई ना पिकनिक हो रही होगी इन सब की, हाँ नहीं शूटिंग के नहीं बाद ऐसा ये तो सब बिल्कुल वहां भी पे नहीं। इकट्ठे होंगे सेट के ऊपर और बड़ा हाँ शुगल हो रहा होगा, ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। हाँ एक दफा ऐसा हुआ था, आई थिंक वो आखिरी दिन था शूट का, खत्म हो गया था शूट हमारा, और सर्दी बहुत थी, तो पूरी की पूरा क्रू कास्ट हर कोई आग लगा के बैठ गया था, और बातें थी और गाने थे, दैट वाज द ओनली नाइट आई थिंक, उस दिन भी हानिया नहीं थी, पूरी कास्ट फिर भी नहीं थी, लेकिन हम सारे बैठे थे तब अब थोड़ी देर के शहजाद लिए। की हमें बैक स्टोरी पता चली, एंड ऑब्वियसली यू नो शी इज बीन थ्रू अ ट्रॉमा, और उसको एक प्रोटेक्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसको एक मिल गया हिलमंद की सूरत में। बिल्कुल अभी जब आखिरी किस, जहां तक पता नहीं मुझे कि हमारी एपिसोड ऑन एयर कब जाएगी, ये हमारा इंटरव्यू कब ऑन एयर होगा, बट जितना हमने ड्रामा देखा तब तक शहजाद इज एक्चुअली गॉन बैक टू द सिटी, और वहां पे भी अगेन उसके बॉस ने उसको फिर हरास करने की कोशिश की है बिल्कुल और वो बिल्कुल वहां से बिल्कुल उस गुस्से में वॉकआउट कर गई है। बिल्कुल बिल्कुल व्हाट इज नेक्स्ट फॉर शहजाद? अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट। अभी तो शहजाद की कहानी शुरू नहीं हुई सही तरह अभी से, शुरू हुई भी नहीं है अभी शहजाद। शुरू नहीं, अभी शुरू बिल्कुल भी नहीं हुई शहजाद की कहानी, क्योंकि अभी तो वो देख रही है, लाइक वो कहीं और, किसी और शहर की है, वो शहर की बंदी है, और शी इज़ कम टू दिस प्लेस लस्पिरान, और अभी वो समझ रही है कि कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक मैं कहाँ आ गई हूँ खाना थिंग, तो शी इज़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अभी तो, लेकिन अभी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो बहुत चीजें शहजाद खुलेंगी के। आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियसली इट बी अनफेयर कि मैं आपसे पूछूं कि क्या है तो मुझे बताएं।